मई का महीना आरंभ होते ही जहां मैदानी क्षेत्रों में गर्मियों ने अपनी दस्तक दे दी है और तापमान में वृद्धि देखी जा रही है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली सहित जिला लाहौल स्पीति में अभी भी तापमान माइनस में चल रहा है। ऐसे में इस मौसम का कुल्लू मनाली घूमने आने वाले पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं इसका सेब और अन्य फसलों पर सीधा असर पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है, जिससे किसान एवं बागवान बेहद हताश हैं। मौसम का जो हमारा आजकल जो बेमौसमी बरसात हो रही है और बर्फबारी हो रही है, पर्यटन की दृष्टि से तो पर्यटक यहाँ पे जो आ रहे हैं वो खूब आनंद ले रहे हैं। जब बर्फ का नामो निशान नहीं होता तो अटल टनल या सोलांग वैली या गुलाबा के आसपास बर्फबारी हो रही है, जिससे हमारे पर्यटन को तो बहुत ज्यादा इसका लाभ हो रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जो फसलें हैं और हमारे किसान लोग हैं और हमारे बागवान लोग हैं, उनके लिए थोड़ा बेमौसमी बरसात होना थोड़ा लाभप्रद नहीं है। देखिए, जो मौसम ने करवट बदली है, सेब की फसल इससे कुछ हद तक तबाह होगी। अगर ज्यादा मौसम ठंडा हो जाता है, इस बार फ्लावरिंग हो चुकी है, तो इस टाइम मौसम बिल्कुल ठंडा नहीं चाहिए था। अगर ये मौसम ठंडा होता है तो सेब के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ेगा। अगर ओले पड़े तब तो सेब बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बार बार मौसम जो चेंज हो रहा है, ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो इससे सेब के लिए ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस महीने बर्फबारी हो रही है, जहाँ मैदानी इलाके काफी तपे हैं, 50 से ऊपर 40 से ऊपर टेम्परेचर वहाँ जा रहा है, तो यहाँ माइनस में रात को टेम्परेचर और काफी ठंडा है। अभी भी जैकेट स्वेटर वगैरह काफी ठंडा मौसम है। टूरिज्म के लिहाज से ये काफी अच्छा मौसम घाटी का बना हुआ है और टूरिस्ट काफी जा रहा है, इसका आनंद ले रहे हैं, काफी टूरिस्ट आ रहे हैं। लेकिन बागवानों के लिए मौसम अभी तक ठीक नहीं है। सीडी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।